नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद सीएनसी बेसिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चैम्फर, यानी कि अलग अलग तरह का यदि चैम्फर दिया हो तो उसका हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे उसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ड्रॉइंग आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है जो कि इसका डाया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 16 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 20 है, इसका डाया 37 और इसका डाया 50 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 12 है, इसका फिर यहाँ से यहाँ तक लेंथ 10 है और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 15 दिया हुआ। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 6 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 8 दिया हुआ, इसका लेंथ 2 है और इसका लेंथ 5 दिया हुआ। यहाँ पे ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, चैम्फर जो दिखाई दे रहा है, वो चैम्फर 235 डिग्री का चैम्फर है और यहाँ पे ये जो टेम्पर दिखाई दे रहा है ये 30 डिग्री एंगल में ये टेम्पर है, ठीक है दोस्तों। यदि इस तरह से ड्राइंग में दिया हो तो इसका कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे उसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये इसका डाया 16 दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे 2 यानी कि 30 डिग्री का चैम्फर बनाना है, ये जो दिखाई दे रहा है 30 डिग्री का चैम्फर हमें बनाना है, ठीक है। यदि इस तरह से दिया हो तो यहाँ पे जहाँ से चैम्फर स्टार्ट होगा इसका टायर हमें नहीं दिया हुआ, ये टायर कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस तरह से यदि दिया हो और इसका टायर हमें कैलकुलेट करना हो 30 डिग्री एंगल में, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखिए। मान लीजिए यहाँ पे इसके पहले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि जब भी इस तरह से एंगल दिया हो और इसका डाया हमें कैलकुलेट करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला यदि ये फॉर्मूला यदि अप्लाई करते हैं तो ये होता है साइन के लिए, और ये यदि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये होता है कॉस के लिए, और ये वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये होता है टेन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका डाया हमें दिया हुआ, ठीक है, इसका डाया हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि ये 10 यूज करेंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब भी हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो यानी कि यहाँ पे 10 का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ, यानी कि ये एंगल इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे यदि इस तरह से लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दो तो देखिए ये ट्रायंगल बन गया, यानी कि ये ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल यहाँ पे दिया, इसका लेंथ यानी कि यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ 2 दिया हुआ, 2 कैसे दिया हुआ देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 8 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 6 दिया हुआ, यानी कि 8 में 6 को जब माइनस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये जो चैम्फर दिया हुआ ये 2 mm का चैम्फर है और 30 डिग्री में, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि देखिए एक ट्रायंगल बन गया, इसी ट्रायंगल को यहाँ बड़ा करके ड्रॉ करने पर देखिए ये होता है अपना परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका बेस दिया हुआ, बेस यानी 2 दिया हुआ, 2 किस तरह से अभी मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बता दिया कि ये किस तरह है, और ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना और इसका एंगल 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए जब भी इस तरह से दिया हो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके लिए टेन यूज करते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ये वाला, ठीक है, पी बाई बी। अब यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, यहाँ पे 30 डिग्री दिया, यानी कि टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, बी के सामने क्या है इसका अपना बेस कितना है 2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अपना लेंथ 2 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपना बेस 2 हो गया। अब यहाँ पे टेन 30 डिग्री इसका जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये आता है 0.577, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया, और उसके बाद पी बाई 2, ठीक है। अब जब इसको यहाँ बीच में इक्वल टू है, जब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.154 इक्वल टू पी। इसका मतलब ये हुआ कि पी का वैल्यू जो है कितना हमें मिला 1.154, यानी कि ये जो पी है इसका वैल्यू आ गया 1.154, ठीक है, ये वाला वैल्यू आ गया, यानी कि एंगल यहाँ पर भी बन रहा है और एंगल यहाँ पर भी बन रहा है, यानी कि हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इसको क्या किए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना आ जाएगा 2
2.30 है, ये अपना वैल्यू हो गया। अब ये 2.30 जो है इसका डायल 16 दिया हुआ, 16 में जब 2.308 को माइनस किए यहाँ पर देखिए तो कितना आता है 13.692, ये इसका डाया हो गया। यानी कि जहाँ से चैम्फर स्टार्ट होगा उसका डाया 13.692। ठीक है दोस्तों, अब इसलिए इसका हम लोग जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सबसे पहले आप लोग कोऑर्डिनेट निकला दें, यहाँ पर जैसे कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि टोटल 10 कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट में x का नंबर 1 यानी कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू होगा 13.692। इसलिए यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकाला, यहाँ पे देखिए ये x का वैल्यू होगा और ये z का, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है z का और ये वैल्यू तो x का। ठीक है, और कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू 13.692 और ये 13.692 यहाँ पे किस तरह से अभी मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखला दिया, और z का वैल्यू 0.0 होगा। 0.0 क्योंकि टूल अपना यहाँ पर ही 0 होगा, यहीं से टूल अपना चलना शुरू करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू मिल गया और z का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब टूल कोऑर्डिनेट नंबर 1 पर खड़ा है, कोऑर्डिनेट नंबर 1 से कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर जाने के लिए हम यहाँ पे इसका डायल 16 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 2 में x का वैल्यू 16 हो जाएगा और z का वैल्यू -2 हो जाएगा। ये -2 क्यों होगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को बताया था कि यहाँ से यहाँ तक अपना लेंथ 2 है। ठीक है, 8 में 6 को माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसलिए z का वैल्यू -2 होगा और माइनस इसलिए होगा क्योंकि टूल अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का क्लियर हो गया, यानी कि टूल अपना कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर जाकर के खड़ा है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट नंबर 2 से कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर हमें जाना है। कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर जाने के लिए इसका डाया हमें पता है 20 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेट करना नहीं है, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 3 में x का वैल्यू 20 हो जाएगा और z का वैल्यू -8 होगा। -8 क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ 8 दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 3 में z का वैल्यू -8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कोऑर्डिनेट नंबर 3, यानी कि टूल अपना यहाँ पे आकर खड़ा हो गया। अब कोऑर्डिनेट नंबर 3 से कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर जाना है। ठीक है, और इसका डाया हमें नहीं पता है, ये जो डाया दिखाई दे रहा है इसका डाया हमें नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ये देखना होगा, देखिए इसका डाया 37 दिया हुआ। ठीक है, इसका डाया 37 है और यहाँ पे 2 × 35 डिग्री का ये जो है चैम्फर दिया हुआ है हमें। ठीक है, ठीक वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पंडित प्रदीप प्रसाद वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जब ये दिया हुआ यानी कि ये वाला टेन यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 35 डिग्री का एंगल है, यानी कि टेन 35 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, पी माने परपेंडिकुलर, बी माने बेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, और टेन 35 डिग्री का वैल्यू होता है 0.7। ठीक है, इक्वल टू पी बाई बी के स्थान पर 2 हो जाएगा। 2 क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका लेंथ यानी कि यहाँ से इसका जो लेंथ है ये लेंथ यहाँ पे 2 × 35 डिग्री का दिया हुआ है, तो यानी कि इसका लेंथ हो जाएगा 2, इसलिए यहाँ पे बी के स्थान पर 2 हो जाएगा क्योंकि इसका बेस 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब इसको इससे बीच में इक्वल टू दिया हुआ है, जब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4 इक्वल टू पी, यानी कि पी का वैल्यू हो गया 1.4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये जो 1.4 आया यानी कि चैम्बर 1.4 एक साइकिल आया, यानी कि साइकिल भी 1.4 हो जाएगा, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 2.8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब देखिए ये 37 दिया हुआ। ठीक है, 37 में 2.8 को जब माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए 37 को जब 2.8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 34.20। ठीक है, 34.2 ये आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डाया कितना हो जाएगा 34.2। कोऑर्डिनेट नंबर 4 में x का वैल्यू 34.20 हो जाएगा और z का वैल्यू -8 होगा। -8 क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक अपना लेंथ 8 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि टूल कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर जाके खड़ा हो गया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट नंबर 4 से कोऑर्डिनेट नंबर 5 पर जाना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट नंबर 5 पर जाने के लिए x का वैल्यू सेम होगा क्योंकि x में कोई चेंज नहीं है,
इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 5 में x का वैल्यू 34.2 और z का वैल्यू -10 होगा। -10 क्यों होगा? अब देखिए यहां से यहां तक इसका लेंथ 2 दिया हुआ है, ठीक है, और 2 ऑलरेडी 1 mm ज्यादा कर खड़ा है, 8 में 2 ऐड करते हैं तो टोटल 10 हो जाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 5 में z का वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 अब यहां पे आकर खड़ा हो गया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट नंबर 5 से कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर जाने के लिए इसका डाया हमें 37 दिया हुआ, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 6 में x का वैल्यू 37 हो जाएगा और z का वैल्यू -12 होगा। अब ये -12 ये किससे आया? देखिए 2 ऑलरेडी 10 पर खड़ा था, ठीक है, और 2 mm का यहां पे 2 × 35 2 mm का हमें चैम्फर बनाना है, यानी कि 10 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, यानी कि ये टोटल 12 हो गया। यहां तक समझ आ गया? अब 2 कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर खड़ा है, कोऑर्डिनेट नंबर 6 से कोऑर्डिनेट नंबर 7 पर जाना है, कोऑर्डिनेट नंबर 7 पर जाने के लिए x का वैल्यू 37 ही रहेगा, इसलिए यहां पे देखिए कोऑर्डिनेट नंबर 7 में x का वैल्यू 37 ही रहेगा क्योंकि x में कोई चेंज नहीं है और z का वैल्यू -15 हो जाएगा। और ये -15 किस तरह से है? अब देखिए यहां से यहां तक अपना टोटल लेंथ दिया हुआ 50, ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 7 में z का वैल्यू -15 हो जाएगा, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट नंबर 7 पे आके खड़ा हो गया। अब यहां से कोऑर्डिनेट नंबर 7 से कोऑर्डिनेट नंबर 8 पर जाना, यानी कि इसका डाया हमें नहीं पता, इसका डाया हमें कैलकुलेट करने के लिए जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किए थे ठीक यहाँ पर भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, एंगल यानी कि जब इसको आप ट्रेंगल बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से ट्रेंगल बन जाएगा, और इसका ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 10 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि बेस अपना 10 हो गया, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता और एंगल हमें दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए सेम ये वाला जिस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए थे ठीक वैसे ही इसको भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे tan 30 डिग्री जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 0.577 इक्वल टू पी बाई बी, बेस अपना कितना है यहाँ पे देखिए बेस अपना 10 है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 10 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा। फिर इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 5.77 इक्वल टू पी, यानी कि ये जो पी है इसका वैल्यू हो गया 5.77, तो ये जो 5.77 एक साइड है यानी कि यहाँ का हो गया 5.77 यहाँ से आता है, तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही होगा, ये भी तो ऐसे ही होगा 5.77, इसलिए यहाँ पर 5.77 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 11.54, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 11.54 जो है इसका डाया हमें दिया हुआ 50 में जब 11.54 इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए 50 में 11.54 इसको जब माइनस किए तो ये आ गया 38.46, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर ये इसका ये जो डाया है इसका डाया कितना हो जाएगा 38.46, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 8 में x का वैल्यू हो जाएगा 38.46 और z का वैल्यू हो जाएगा -15 क्योंकि x में कोई चेंज नहीं है इसलिए z का वैल्यू -15 ही रहेगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे आगे खड़ा हो गया, अब कोऑर्डिनेट नंबर 8 से कोऑर्डिनेट नंबर 9 पर जाना है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट नंबर 9 पर जाने के लिए यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 50 दिया हुआ है, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 9 में x का वैल्यू 15 हो जाएगा और z का वैल्यू -25। -25 किस तरह है? देखिए ये 15 है और ये 10 दिया हुआ है, 15 और 10 ये 15 है, ठीक है, ये 15 है, 15 और 10 इन दोनों का यदि ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 9 में x का वैल्यू 50 और z का वैल्यू -25, ठीक है, यानी कि टू कोऑर्डिनेट नंबर 9 पर पहुंच गया। अब टूल कोऑर्डिनेट नंबर 9 पहुंच गया, अब चाहे तो आप यहाँ पे मशीनिंग कर सकते हैं और यदि चाहे तो टूल यहाँ से ऊपर उठा सकते हैं, तो यहाँ पे मशीनिंग करने के लिए टूल को यहाँ पे होल्ड करना होगा, यानी कि कुछ अलग मेटल रहेगा तो हम इसको होल्ड करेंगे, तो मान लीजिए हमें यहाँ पर भी मशीनिंग करना है यानी कि यहाँ पे अलग से हम होल्ड किए हैं, ठीक है, कुछ लगा करके अब यहाँ तक हम मशीनिंग करना है, तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट नंबर 10 कोऑर्डिनेट नंबर 10 में एक्स का वैल्यू 50 रहेगा क्योंकि ये इसका डाया हमें 50 दिया हुआ और जेड का वैल्यू -37 हो जाएगा, जेड का वैल्यू -37 देखिए ये
ये और ये इन सब को ऐड करेंगे तो ये 37 हो जाएगा, इसलिए जेड का वैल्यू माइनस 37 हो जाएगा, यानी कि टूल यहाँ तक पहुँच गया। और फिर यहाँ पे टूल को होल्ड उठा करके इसको होम पोजिशन पर भेज देंगे। तो दोस्तों ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि यदि इस तरह से चैम्बर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके समझने का कोशिश कीजिए, उसके बावजूद भी यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।